गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, भाइयों और बहनों, चाचा चाचियों, काका काकियों, मेरे प्यारे बच्चे जो कि अभी तक हुए नहीं, तो आज के हमारे दो कंटेस्टेंट से मैं आपको मिला देता हूं। एट द राइट कॉर्नर इज द हैंडसम, द डैशिंग, द सन ऑफ द सॉइल, ओलंपिक बॉक्सिंग चैंपियन विजेंद्र सिंह। पाजी, how you doing, boss? And at the left corner is the gorgeous, the stunning, the beautiful Malika Hussain. कौन? मलिका शेरावत। मलिका शेरावत। How are you doing, madam? Okay. जी, of course. Thank you for having me on the show. Oh, you're more than welcome. It's our pleasure. हमारे नसीब खोल गए कि आप हमारे इस शो में, मेरे शो में आपने ऐसी अच्छी एंट्री मारी। Thank you. तो आप दोनों तैयार हैं? So let the round begin. Come. अरे बाप रे, seriously नहीं मानना? बॉक्सिंग के राउंड के लिए भेजा था, पता नहीं क्या क्या करके। बॉक्सिंग तो होते होते रह गई, मगर क्या आप गेस कर सकते हैं कि आज के दो कंटेस्टेंट्स कौन हैं? दोनों हरियाणा के हैं। दोनों जाट मुद्दी हरियाणवी। यार मैं सुना कि तुम आजकल काफी पार्टी वगैरह में, काफी कमर्शियल वगैरह में आ रहे हो, तो बॉक्सिंग के ऊपर कैसे कॉन्सेंट्रेट? बॉक्सिंग तो बचपन से करता आ रहा हूँ, मतलब से कहते हैं, आई थिंक मेरे को 10 साल हो गए बॉक्सिंग करते हुए, तो बचपन से किया, गेम का भी भूलता नहीं। जैसे आप बचपन से एक्टिंग कर रहे हैं, वैसा काम मेरा बॉक्सिंग का है। एक होता है ना कि एक ड्रीम, एक ख्वाहिश, एक सपना, क्या था? मेरा सपना ओलंपिक मेडल था जी, वो तो आपको मिल गया। बट मैंने रिसेंटली एक और सपना देखना शुरू कर दिया। जी, क्या है वो? बिकम ए न्यू सुपरस्टार इन इंडिया। यू आर ऑलरेडी अ सुपरस्टार, प्लीज क्लैप। पुलिस में भी हूँ मैं। पुलिस में भी हो आप? और आप पुलिस में भी हैं? DSP इन हरियाणा पुलिस। अरे Congratulations. ये तो आपको कभी भी गिरफ्तार कर सकते हैं। पर ये मुझे गिरफ्तार क्यों करना चाहे? अरे बहुत गिरफ्तार कौन नहीं करेगा मैडम आपको। अच्छा आप मुझे एक बात बताइए कि हमने तो आपको जवानी में देखा है, आप बचपने में क्या थी? एक नॉर्मल लड़की थी जैसे हर हिंदुस्तान की लड़की होती है। बचपने से आप ऐसी ही थी या मतलब आप कभी जब मैं आपको देखता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है आप ऐसे ही पैदा हुई हैं। नहीं। I love being with my brother. जी। मुझे अपने फैमिली के साथ वक्त बिताना बहुत पसंद है। आपके फैमिली में कौन कौन है? मेरे पेरेंट्स हैं और मेरा एक भाई है। अच्छा। और मुझे ये जो घर के डोमेस्टिक काम होते हैं ये करना बहुत पसंद है। आजकल मैं कुकिंग क्लासेस ले रही हूँ। ये तो गई मैडम, तो गई बॉस, लगता है शादी का इरादा है। मैं आपको एक दिन डिनर पे इनवाइट करूंगी, आप दोनों को, और आपके लिए मैं खुद कुक करूंगी। एक्सपेरिमेंट हमारे ऊपर होगा। हमने आपके पर्सनल लाइफ के बारे में तो जाना, आपको देखा है, लेकिन आपका पर्सनल लाइफ? आई डोंट हैव अ बॉयफ्रेंड। नहीं नहीं, वो तो बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं, बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं अभी सिंगल हूँ, मैंने सुना है सलमान भी सिंगल है। नहीं नहीं, हेलो मैडम, ये किसने आपको कह दिया? अच्छा ओके, आप पढ़ लिख रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, मैं तो है। आपकी शादी हो गई? नहीं नहीं नहीं। अच्छा वैसे नहीं, अभी शादी नहीं हुई, लेकिन ढूंढ लिए जी। आपकी शान में मैं कुछ कहूँ? यार बहुत अरसा हुआ मेरी शान में किसी ने कुछ नहीं। सलमान खान की शान में तो हर कोई कहता है, मेरी शान में जी जी प्लीज। इरशाद 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 इरशाद। लड़कों के भाईजान और लड़कियों की जान, हमारे सलमान खान है नंबर वन इंसान। yeah.
खत्म ओवर बस इतना ही तो फिर एक बार रिपीट कर दीजिए ना अच्छा लग रहा था एक पॉपुलर पोल आई थी मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी जब मैं वैन में बैठी थी कि आप सलमान के साथ मंच पे खड़ी हैं आप हम सब की तरफ से उनसे रिक्वेस्ट कीजिए क्या कि वो अपनी शर्ट उतारे ना प्लीज आप हिंदुस्तान के आवाम की बात करते हैं उनकी आवाज की बात करते हैं तो ये उन्हीं की आवाज है आप क्या बोलती हैं आप क्या बोलती हैं बोलिए ना 10 सेकंड है आपके पास गेम शुरू करते हैं ये है क्लोरमिंट नॉकआउट राउंड गौर से सुनना और दोबारा मत पूछना हम आपसे पूछेंगे 5 सवाल जो जवाब है ना वो हम लोगों ने ये LG LCD में स्टोर करके रखें छुपा के रखें तो जिसने भी 3 सही प्रश्नों के उत्तर दिए वो आगे जाके खेलेंगे मेरे साथ 10 करोड़ के लिए 10 का दम ओके तो आइए आपका पहला प्रश्न कितने प्रतिशत भारतीय अपने दोस्तों को अपनापन दिखाने के लिए उन्हें गालियां देते हैं होता ना चला ओए ओए मलिका ओए बट यू हैव योर चाइल्डहुड फ्रेंड्स ना यस मैं अपनी दोस्तों से बात करती हूँ We don't use abuses too much. No? No. Not girls. लड़के बहुत ज़्यादा मैंने तो कभी नहीं की मेरी फ्रेंड्स ने भी कभी प्यार से भी गालियाँ देके बात नहीं की लड़कों में अक्सर होता है बस ये बात है और मतलब कि जैसे फोन उठाया तो वहाँ पे हो जाता है आप गाली बकते हैं तो बाय यार नहीं हो सकता इसके लिए आपको 10 सेकंड मिल सकते हैं और फिर आपके 10 सेकंड शुरू होते हैं अब प्रश्न यह है कि कितने प्रतिशत भारतीय अपने दोस्तों को अपनापन दिखाने के लिए उन्हें गालियां देते हैं अभी तो आप कह रही थी कि ये नहीं होता वो नहीं होता 88% अरे तो कितने परसेंट लड़के हैं भाई लड़के तो है अपने बाय द वे मैडम लड़कियां लड़कों से ज्यादा गालियां बकती हैं लड़कियां नहीं देती गालियां सब लड़कियां यहाँ पे अपनी मम्मी की कसम खा के बोलो नहीं देती गालियां मम्मी की कसम मम्मी की कसम देखा हंसदी मम्मी की चलो मम्मी की कसम खा के बोलो मम्मी की कसम ये लो ये तो हाँ मम्मी की बिना मम्मी की कसम खाए बोली बीडू गालियां तो विजेंद्र ने लगाया है 70% और जिन्हें लगाया 88% हमारे देश की आवाम से पूछते हैं कि कितने प्रतिशत भारतीय अपने दोस्तों को अपनापन दिखाने के लिए प्यार से मोहब्बत से गालियां बकते हैं तो क्या हुआ आप एक्टर हैं नॉकआउट करना तो उनका काम है नहीं, एक्टर था आप हैं एक्ट्रेस हैं आपका अगला प्रश्न कितने प्रतिशत भारतीयों ने कहा कि उन्होंने बचपन की याद दिला दी कितने प्रतिशत भारतीयों ने कहा कि उन्होंने स्विमिंग पूल में सुसु की है I think maybe बच्चे kids बड़े भी करते होंगे 100% नहीं I don't think so no अगर मुझसे ये पूछा गया होता टेलीफोन पे तो मैं सच बता देता पर आपने तो किया होगा मैं 100% वो क्या होता है जैसे मलिका जी हाँ स्विमिंग करी अपनी सहेलियों के साथ Sarman, stop just don't give that example stop stop
तो नहीं, आपका क्या, आपका क्या जजमेंट है, आपकी क्या टिप्पणी है इसके ऊपर? मुझे आपको क्या लगता है? मुझे मेरे एक्सप्रेशन से क्या लगता है आपको? बच्चे तो हमेशा करते हैं और वही बच्चे बड़े होते हैं यार। अभी आदत बदलती नहीं। हाँ, जैसे सोहल का बच्चा है वो तो कमाल है, वो तो पूल के बाहर होके खड़े होके कर देता है। पापा पापा जी पापा सी हाउ फार इज गोइंग पापा, और सब जितने भी है सब पूल के बाहर। तो आपके पास 10 सेकंड है, आपके 10 सेकंड शुरू होते हैं आप। मलिका जी ने लॉक किया 39% पे, क्योंकि 39% में मलिका जी भी मौजूद है, और इन्होंने 50% और इन्होंने 51 पे लॉक किया है। देखते हैं करेक्ट आंसर। आप जीत गए मैडम 39%। आप उसके नीचे आया तो ये उसके ऊपर थे, तो जी हाँ, असल में जाट बुद्धि है ना, टाइम लगता है प्रोसेस होने में। अच्छा, डोंट वरी, तो स्कोर है 1-1। आपका अगला प्रश्न, कितने प्रतिशत भारतीय महिलाओं को हरियाणवी लहजा सेक्सी लगता है? हरियाणा में तो सबको अच्छा लगता है। अच्छा, कुछ हरियाणवी लगता, क्यों? मैं हरियाणा से हूं, मेरे को पता है। कई बार बॉम्बे आता हूं तो बात करती हैं, आप प्लीज हरियाणा में बात कीजिए। मुझे एक बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट मिला था। जी क्या है जी? हरियाणवी में कौन सा? ये आप ट्रांसलेट कर सकते हैं सबके लिए कि भाई छोरी कुनी गंडासा से। ओए होए, दिल से क्या, दिल से फीलिंग निकली थी। छोरी नहीं गंडासा है, गंडासा गंडा लड़की नहीं है, बस जैसे काट देने वाली चीज होती है, यू नो लाइक ए नाइफ। That's हरियाणवी। इनके लिए मैं कहना चाहूंगा, एक एक हरियाणवी में एक एक सॉन्ग है, शायद वो हरियाणा वाले समझ सकेंगे, बस थोड़ा थोड़ा आपको समझ आएगा। अरे गड्डे आड़ी गज बने छोरी रोत का सबम, बिजली सी टूट पड़ी मारे गए हम। इसके मारे क्या हुए? इसका ये वहाँ की रोत की रहने वाली है, वहाँ की बम्ब, लाइक यू नो लड़कियों कहते हैं वाओ यार बड़े बम्ब। हाँ, क्या चीज़ बम्ब, बड़ा बम्ब, बम्ब बम आइटम, बम्ब बम बम। तो बिजली सी टूट पड़ी मारे गए हम। हाँ, हर कॉलेज का लड़का, स्कूल का लड़का रोहतक में यही गाता है। कमाल कर रहे हो यार विजेंद्र सिंह। तो आपको ऐसा लगता है कि हरियाणवी एक्सेंट सेक्सी है? वहाँ के लोगों को ऐसा लगता है। तो आप कहाँ की हैं? मैं हरियाणा की हूँ, लेकिन हरियाणा से बाहर जो लोग हैं वो इस एक्सेंट से वाकिफ नहीं है। थोड़ा सा समझते हैं कि कहते हैं हमारी जैसी लैंग्वेज है। आप कुछ कही ना हरियाणवी में, आप कुछ बोलिए हरियाणवी एक्सेंट में। छोरी में दर्द, ये नहीं चलेगा, खुसर बुसर प्लीज। छोरी व्हाट इज दिस? अरे छोरी में देर से बहुत, वेयर आर ऑल द गर्ल्स, दिस इज चीटिंग। छोरी मैं तुझसे बहुत गाढ़ा प्यार करूं छु। हां हां, फिर से बोलिए। और छोरी मैं तुझसे बहुत गाढ़ा प्यार करूं छु। इसे हां, तो फिर इसमें आपका क्या जवाब है? सोचूंगी। तो प्रश्न ये था कि कितने प्रतिशत भारतीय महिलाओं को हरियाणवी लहजा सेक्सी लगता है। आपके पास 10 सेकंड है और आपके 10 सेकंड शुरू होते हैं अब। आपने डाला है मलिका जी 18% पे और विजेंद्र बाबू आपने डाला है 26% पे। आए देखें कि हमारे देशवासियों को हरियाणवी लहजा कितना सेक्सी लगता है। आप गुरु
से जीत गई मैडम। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। स्कोर है 2-1। आपका अगला प्रश्न, कितने प्रतिशत भारतीय किस करते समय अपनी आंखें बंद कर लेते हैं? ये प्रश्न अच्छा है। क्यों बंद करते हैं? क्योंकि जिसको किस कर रहे वो उनका चेहरा नहीं देखना उन्हें। मैं तो आजकल हिस कर रही हूँ। अच्छा पहले आप I stopped kissing, I'm hissing now. अब आप हिस कर रही? Yes. हिस, उसका नाम क्या है हिस का? हिस, ये मेरी अगली फिल्म है। HISSS, हिस, इच्छाधारी नागिन। अच्छा जी, आप आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? जी हाँ। जी है, पर मैं आंखें बंद नहीं करता, वो आंखें बंद कर दिए पता नहीं क्यों। क्यों? आप What about you? आधी खुली आधी बंद। तो बताइए ना, आपका पर्सनल ओपिनियन क्या है? क्या लगता है लड़की सब गर्ल्स को इधर? हाँ। देखो बच्चियों से नहीं पूछो, मम्मियों से पूछो। देखो यहाँ पे मम्मी बैठी है, मम्मी से पूछ लीजिए। मम्मी जी, मम्मी की ऑलरेडी आंखें बंद है। बहन, किसको पता है कि किसकी आंखें बंद है? अगर आपकी आंखें बंद है और मेरी आंखें खुली हैं, सलमान उसका उल्टा, तो आंखें बंद है और फिर वो तो उसको खोलनी पड़ेगी ना देखने के लिए कि उसकी आंखें बंद है। यार समझ नहीं आ रहा, कंफ्यूजन है भैया। यार इस किस के ऊपर इतना डिबेट, एक किस के ऊपर, और ये लो 17 किस कर गई। याद है आपको नंबर भी याद है? 17-18 मेरे दिमाग में 18 था, लेकिन कितने थे? 17 आपको अभी भी याद है? उसमें बंद आके थी या खुली? वो आप फिल्म देखिए, आपको पता लग जाएगा। जी हाँ, प्रश्न यह है कि कितने प्रतिशत भारतीय किस करते समय अपनी आंखें बंद कर लेते हैं? तो आपके 10 सेकंड हैं और आपके 10 सेकंड शुरू होते हैं अब। मल्लिका जी ने लगाया 41% जिसमें ये शामिल है, और विजेंद्र जी ने लगाया 53% जिसमें ये शामिल है। आए देखते हैं आप कितना कितना इसमें शामिल है। To all, अब इसमें जो भी जीतेगा वो खेलेगा मनी राउंड, और ये है डिसाइडर प्रश्न। अब प्रश्न ये है कि कितनी प्रतिशत भारतीय महिलाएं एकदम गोल चपाटी बनाने पर बहुत ध्यान देती हैं? Girls, everyone, महिलाएं, गोल 80% हर एक चाहती है कि मैं गोल बनाऊं। आपको चपाटी बनानी आती है? Never, नहीं ever. आपको चपाटी बनाने आती है? मैं सीख रही हूँ, पर मुझे कभी गोल नहीं बनती। बनाने में कितना टाइम लगता है? मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ पर वो गोल नहीं बनती, अलग अलग शेप आ जाती है उसकी। कैसे कैसे शेप आते? वो बेलन पे कंट्रोल नहीं है ना। ओए, चलो आइए आइए देखते हैं आपका बेलन पे कितना कंट्रोल और कंट्रोल नहीं है। आइए चलिए आइए आइए। आप बहुत बोल रही थी ना कि मैं कुकिंग सीख रही हूँ और ये सीख रही हूँ वो सीख रही हूँ। जी हाँ सलमान, ये सब आइए आइए आइए, चलिए 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 आइए। पर मैंने तो आपको कहा ना मैं सीख रही हूँ। सीख रहे? अरे चपाटी बनाने में कितना आइए ना, और ना बनाइए बनाइए।
वैसे बनाता नहीं हूँ, लेकिन मेरी माँ ने मुझे बचपन में थोड़ा बहुत सिखाया है। कॉपी नहीं करना मेरा। ये लो, ये चपाती बनाएंगी, ये खाना सीखी, चपाती बनाना नहीं आता इनको, और ये खाना सीखेंगी मैडम। मैं इसको गोल कर सकती हूँ। या ऐसे कर सकती हूँ मैं गोल। अरे अपना लो पहले, अपना लो। नहीं गोल बनी। हाँ, अरे चपाती तो बनने दो। बनाओ ना, ये लो ना, ये लो अपने, चलो बनाओ, ये लो, चलो। के हाथ गंदे हो जाएंगे भाई। आ जा तू भी, आ जा, लग जा, लग जा, लग जा। अबे बॉक्सिंग नहीं है। रुक जा, रुक जा, रुक जा। हो गई गोल, गोल एकदम। ये चपाटी नहीं है, ये कुलचा है। गोल हो गया अपने। अबे अबे खराब कर दिया। हाँ हाँ, मेरी चपाती गोल। ना ना, गोल चपाती गोल। ना 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 ना, ये इन्होंने चपाती नहीं, इन्होंने चपाती ये गोल। नहीं, हेलो, ये तो हर कोई बनाता है, इन्होंने अपने बॉक्सिंग शॉर्ट्स बनाए। ये देखिए इनके बॉक्सिंग में जो पहनते हैं ना वो। मेरी चपाती तो गोल बन गई ऑलरेडी। अरे वाह यार, वाँ। कमाल है, देखो कितना हुनर है छोकरी में। शादी करने के लायक है। आई एम सो वेरी हैप्पी विथ यू मैडम, बहुत अच्छा है। तो प्रश्न ये है कि कितने प्रतिशत भारतीय महिलाएं एकदम गोल चपाती बनाने पर बहुत ध्यान देती हैं? तो आपके पास 10 सेकंड, 10 सेकंड शुरू होते हैं अब। मलिका जी 77% और विजेंद्र बाबू 68%। आए देखें कि हमारी देश की महिलाएं कितना ध्यान देती हैं। मैं नर्वस हूं, मैं नहीं देख सकती हूं। मैं तो देख सकता हूं। आप स्कोर बोर्ड देखिए। चपाटी आपको यहां, मैडम आपको यहां पे खड़ा रहना पड़ेगा। आई कांट सी द स्कोर बोर्ड, आई एम टू नर्वस। आपके हिसाब से हम लोग कैमरा नहीं शिफ्ट कर पाएंगे। तो आइए मैं आपको, ये तो मुझे चाहिए था कि मैं आपको इस जगह पे लाके खड़ा कर दूं। आप बार बार एक्सक्यूज मत ढूंढा कीजिए मेरे पास आने के लिए। आप नेशनल टीवी पे हैं मैडम। ओए हे, ओ हिस, ओ हिस, ओ हिस। तो जी हाँ, देखते हैं कि कितनी प्रतिशत महिलाएं गोल चपाती बनाने पर ध्यान देती हैं। आई थिंक मालिका। कांग्रेचुलेशन बड़ी, आप जीते हैं ये नॉकआउट राउंड। और मैडम अफसोस है कि आप हार गई ये नॉकआउट राउंड। वो मैंने पहले ही कहा था, बॉक्सिंग चैंपियन है। His job is to knock people out. मैडम अब थोड़ा सा ध्यान यहाँ पे दिया होता तो आप मेरे साथ खेलती हैं मनी राउंड, लेकिन अफसोस नहीं, फिर भी आप कंपेनियन तो बनेगी ना इनकी। हाँ देखिए, आपके लिए लाल सोफा रखा है वहाँ पे, आप किस तरह से बैठना चाहेंगी मैं आपको बताऊं? आप इस तरह बैठेंगी या इस तरह बैठेंगी या तो फिर इस तरह बैठेंगी? जैसे भी आपको बैठना है मैडम आप बैठ सकती हैं। मुझे एक बात बताइए बॉस, कि आपको पैसों से कितना लगाव है? अगर आप यहाँ पे जीत गए से फॉर एग्जाम्पल 10 करोड़, तो आप उन 10 करोड़ का करेंगे क्या?
हर एक की ज़िंदगी में पैसे अहमियत रखते हैं और मेरी लाइफ में भी पैसे अहमियत रखते हैं, ऑब्वियसली बिकॉज मैं एक भिवानी के छोटे से गांव से आया हूँ और बहुत मार खाई है मैंने यहाँ तक पहुँचने में। आपके सामने यहाँ खड़ा हूँ तो कोई ऐसे नहीं, बिकॉज 10 साल मैंने बॉक्सिंग की है, बहुत मार पड़ी, कट वट पड़े, निशान हुए, और साइकिल होती थी, कभी साइकिल पर जाता था, कभी आंधी आती, कभी बारिश, कभी तूफान, लेकिन बॉक्सिंग ने मेरे को बहुत कुछ दिया है। और कहते हैं बॉक्सिंग में कोई शौक तो होता नहीं किसी को मुंह फड़ाने का, हम जाओ यार पंच खाओ और हो जाओ, तो हर एक कोई अपने पैसे के लिए, अपने कैरियर के लिए करता है हर एक चीज़, बिकॉज हर एक भाग दौड़ जो कर रहे हैं, हर एक डिपेंड ऑन पैसा, पैसा चाहिए, शो मी द मनी, तो दैट्स इट। तो ये आप किसी चैरिटेबल ट्रस्ट को देंगे पैसे? चैरिटेबल ट्रस्ट, हाँ, तो कहते हैं पैसे देने के लिए नहीं होते, लेने के लिए होते हैं, तो अपने पास संभाल कर रखो चाहिए, और यही काम आता है, यही आदमी दुनिया सलाम कर दे जिसके पास पैसा होता है, अदरवाइज कोई नहीं पूछता इस दुनिया में। सो लेट्स प्ले दास का दम। आपका पहला सवाल 10,000 रुपयों के लिए, और जो खिड़की है वो 40% की है, 40%। प्रश्न नंबर 1, कितने प्रतिशत भारतीय पुरुष महिलाओं को बेवकूफ समझते हैं? आप एक अनुमान लगाइए, आप भी एक अनुमान लगाइए, बिकॉज इवेंचुअली इनको आपकी हेल्प पड़ेगी। वैसे अब की बात सीबीएसई की जो एग्जाम हुई थी उसमें भी टॉप लड़कियों ने किया था, इतना मेरे को पता है। वो तो शायद रट के किया होगा, है ना, क्योंकि ज्यादा पढ़ती ज्यादा लड़कियां हैं। आपको क्या लगता है लड़कियां मूर्ख नहीं होती? क्यों? आई वांट टू एक्सप्लेन। हां, ये मुझे उन्होंने कहा है, उन्होंने मुझे लड़कियों ने टॉप किया एग्जाम में। जी, तो एक एग्जांपल दिया है, लड़कियां मूर्ख नहीं होती। गर्ल्स, व्हाट डू यू थिंक, लड़कियां बेवकूफ नहीं होती ना? तो अगर लड़कियां बेवकूफ होती है, नहीं होती, ये प्रश्न तो मर्दों से पूछा गया है और आप औरतों से पूछ ली, जवाब दो। यहाँ पे मर्दों से पूछिए। कम ऑन बॉयज, पार्शियलिटी क्यों? ये पार्शियलिटी नहीं चलेगी। बेटा इतना खुश मत हो, ये जो लड़कियां जो बेवकूफी का एक्ट करते हैं ना, वो हमको बेवकूफ बनाने के लिए करते हैं बस। आपने एक अनुमान लगाया है? आप अपने एक अनुमान तो लगाइए बॉस, मौज कीजिए। आप यहाँ पे अकेले खेल रहे हैं, कोई टाइम लिमिट नहीं है, मैडम वहाँ पे आपका इंतजार कर रही हैं, बैठी हैं। इतना आई थिंक ठीक होगा ना? कितना? 40%, 10 to 50%। जिन जिन से मैं वाकिफ हूँ वो महिलाओं को बेवकूफ नहीं बल्कि महिलाओं की बहुत इज्जत करते हैं, उनकी सोच की बहुत इज्जत करते हैं। जी हाँ, मैं भी करता हूँ, रिस्पेक्ट वुमेन्स, बट एक जो एक धारणा बनी हुई लोगों में, नहीं नहीं, इट इज नथिंग टू डू विद रिस्पेक्ट वुमेन, वुमेन के लिए तो रिस्पेक्ट है, समझते हैं कि मींस लाइक थोड़ी सी, क्या बोलते हैं बेवकूफ का इंग्लिश में क्या है? स्टूपिड और फूल, फूल्स और फूल्स, इडियट, मैड, इडियट, मैड, मैड नहीं होता। आप इतने नजदीक क्यों आते? अरे मैं ऐसे पूछ रहा हूं, एक एक वर्ड के साथ स्टेप लेते जा रहे हैं। अबे बहुत दूरी है मैडम, स्टूपिड बुलाया इन्होंने औरतों को, फूल बुलाया है, डम बुलाया है, इडियट बुलाया है, तोबा तोबा यार, ये क्या हो रहा है यहाँ पे? हम तो कहते हैं कि बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत सेंसिबल हैं, सेंसिटिव हैं। दोबारा से प्रूव कर दिए, हम हमारा ये कहना आप नहीं, आप दोनों जेलस हो रहे हैं कि मैं यहाँ बैठी मौज कर रही हूँ और आप दोनों वहाँ खड़े होके गेम खेल। जी हाँ, जी हाँ, ये देखो एक एक और एक अकलमंदी की बात की इन्होंने, एक और अकलमंदी की बात की इन्होंने। जी करेक्ट करेक्ट करेक्ट, यू गाइस आर डूइंग ऑल द हार्ड वर्क। जी आप लोग सब हार्ड वर्क कर रहे हैं, गर्ल्स करेक्ट, थोड़ा और बढ़ा देता हूँ। एक गर्ल की आवाज आई, यस, अब देखते हैं ऑडियंस का पोल आई है, तो ज्यादा करके 40 से लेके 60 के बीच में एक छोटी है। जी, आपका एक्सपीरियंस क्या बोलता है, क्या प्रतिशत होना चाहिए? आई थिंक 5 to 10%। 5 to 10% कंप्लीट, और आपने अभी लगाया 17 to 57, क्या लगता है छापना चाहेंगे आप? ऑडियंस क्या बोलती है? ऑडियंस बोल रही है छापो, छाप दिया जाए फिर। छापो,
17% से लेके 57% पर छाप दिया है। तो आए देखें कि कितने प्रतिशत भारतीय पुरुष महिलाओं को बेवकूफ समझते हैं। आपने पहले प्रश्न का सही जवाब दिया, मुबारक हो। मरवा दिया होता अभी। आपका अगला प्रश्न है 1,00,000 रुपयों के लिए और जो खिड़की मिलेगी आपको वो है 30% की। जी हाँ, आपका अगला प्रश्न, कितने प्रतिशत भारतीय पुरुषों ने कहा कि उनकी गर्लफ्रेंड वो नहीं जो उनकी पत्नी बनेगी? आपको क्या लगता है कि आपकी जो गर्लफ्रेंड है वो आपकी पत्नी बनेगी 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 या नहीं बनेगी? बनेगी बनेगी। बट हरियाणा में रिवाज है कि मोस्टली एंगेजमेंट ही होती है, यू नो, मम्मी पापा ही देख के आते पहले। हाँ, वो सैड होता है कि माँ बाप के रिस्पेक्ट के लिए वो लड़की पत्नी नहीं बन पाती, क्योंकि जितना भी लड़का ट्राई कर ले उस लड़की को पत्नी बनाने के लिए नहीं बना पाता। हाँ, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। मैडम, आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि माँ बाप की मर्जी बहुत ज़रूरी है, पर एट द सेम टाइम जब आपने किसी को गर्लफ्रेंड कहा है तो आपने उसे जुबान दी है, कमिटमेंट की है। जी, बैलेंस हैज टू बी देयर। बैलेंस तो होना चाहिए बॉस, क्योंकि अगर ट्रू लव है तो भैया यू विल हैव टू टेक अ स्टैंड, क्योंकि उसमें लड़की की भी जिंदगी खराब होती है। आप एक अनुमान तो लगाइए। प्रिंसेस, टेल मी समथिंग। अरे वाह, प्रिंसेस। आई थिंक जो मेरे हिसाब से आपको आपको एक लगा देखना है ऑडियंस का पोल। आइए एक हमारी मुंबई की ऑडियंस का पोल देख लेते हैं। 40 से लेके 50 सबसे हाई चोटी है और फिर नीचे आती है करीबन 60 पे। मालेका जी, क्या सोचती हैं, क्या किस थॉट में, कहाँ पे हैं, किस दुनिया में चली गई आप? असमंजस में पड़ गई जी। असमंजस में पड़ गई। असमंजस क्योंकि हम सभी चाहते हैं कि विजेंद्र जीते यहाँ। असमंजस का मतलब दुविधा है। दुविधा, मैं अकेला नहीं, तुम भी जीतोगे यहाँ पे। हम सभी ये चाहते हैं। और ये सवाल जो है ये बड़ा मुश्किल और ट्रिकी सवाल है। छाप देते हैं, आप इतने प्यार से बोल रहे हैं। इन्होंने एक अनुमान लगाया 30% से लेके 60% पे और उसी अनुमान को इन्होंने छाप दिया। आए देखें हमारी हिंदुस्तान की आवाम की क्या सोच है इस बारे में। तो ये सेलिब्रेशन के लिए जी हाँ, तो आप जीते हैं 1,00,000 रुपए। क्या कोशिश करेंगे 10,00,000 रुपए जीतने की? 101% अब आपकी खिड़की होगी कितने की, बोलो। Only 20%। आपका प्रश्न है कि कितने प्रतिशत भारतीयों ने कहा कि वो सुंदर और गरीब होने के बजाय बदसूरत और अमीर होना बेहतर समझेंगे? आपको क्या लगता है?
मैं नहीं मानता इस चीज को। ना सर, आप इतने खूबसूरत हो सर, क्या आप अमीर और बदसूरत होना पसंद करेंगे? ना 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 नहीं। 30 to 50 I think। देखिए क्या होता है कि जो लुक्स है ना वो ऊपर वाले की देन है। अब कितने खूबसूरत हैं ये? बहुत। कितने? और शक्ल ही नहीं उनका मन भी खूबसूरत है। अरे वाह, थैंक यू। अरे विजेंद्र बाबू, आपने कितनी बार देखा होगा कि बहुत खूबसूरत कन्याएं कम शक्ल वाले पुरुषों के साथ शादी कर ली या उनके बॉयफ्रेंड हैं, ये क्यों है ये आप मुझे समझाइए। क्योंकि लुक्स इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, ये मन जो है दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, अ मैन्स इंटेलिजेंस इज मोर इम्पोर्टेंट, लुक्स कम एंड गो। गर्ल्स व्हाट डू यू थिंक? अल्लाह, इतने सारे झूठ एक साथ। महिलाओं की थिंकिंग ही कमाल है कि उसके पास लुक्स भी नहीं है, पैसा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी वाह। He should have character. या तो आप देवी हैं या तो आप झूठी हैं। नहीं, he should have character. पहले आई थिंक ऑडियंस पोल ले लेते हैं। आइए दिखा दीजिए विजेंद्र जी को ऑडियंस पोल क्या है। 20 से लेके 50, लेकिन आपकी खिड़की है सिर्फ 20% की। That means only 20% बॉस। ये पब्लिक है सब जानती है। ये पब्लिक है सब जानती है, लेकिन जरा सोच समझ के बॉस। क्या आपको क्या लगता है विजेंद्र, आपको क्या लग रहा है? मैं नहीं मानता इस चीज को। मैं भी इस चीज को नहीं मानता। हाँ, बिल्कुल नहीं मानता। बट लोगों की क्या थिंकिंग है? थर्टी से लेके 50%। क्या करना चाहेंगे? क्या करना चाहेंगे? मैं अगर आपको कुछ डिस्कस करना है तो आप कर लीजिए। एक से मैं मलिका जी आई मैं निकाल दीजिए, नो प्रॉब्लम। आइए डिस्कस कर लीजिए, काना पूछी कर लीजिए। तो लेडी लक मांगता है यार, हम लोग उनमें से नहीं है जो कि औरतों को बेवकूफ समझते हैं। करंट लगा ना? लगा कर। Hold on. No, you do. Let's do. I'm too nervous. छाप देना। क्या करना चाहेंगे आप बताइए? हाय दो। हाँ? हाय हाय। 30% से लेके 50% पर आपने छाप दिया। आए देखें हमारी हिंदुस्तान की आवाम की क्या सोच है इस बारे में। अगर आप ज्यादा छापते हो इंप्रेशन वो भी देखना। बाकी के जितने भी 55% है वो ये कह रहे हैं कि आप दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लग रही है। मलिका इफेक्ट। मलिका इफेक्ट। अच्छा छोड़ के आएंगे? नहीं नहीं, अभी आपको छोड़ने जाएंगे, आपने इनको जिताया भाई। चलिए अरे सर देख सकते जो प्लीज डांस। अच्छा बैठ मत जाइए प्लीज, वहाँ पे वापस आना पड़ेगा आपको। थैंक्स। नहीं नहीं वापस आइए ना यार, प्लीज यार। आप प्लीज अगला क्वेश्चन पूछिए। अगला क्वेश्चन पूछें आपसे। तो विजेंद्र बाबू आप दो कदम दूर हैं 10 करोड़ रुपयों से।
आपका अगला प्रश्न होगा 1 करोड़ रुपयों के लिए, जो खिड़की होगी आपकी 10% की। तो आपका प्रश्न ये रहा, कितने प्रतिशत भारतीय पुरुषों ने अपनी बहन के लिए किसी लड़के को पीटा है? वाओ मैन, वैसे मैंने काम किया। मेरे भाई ने तो बहुतों को पीटा। अब जिस भाई की इतनी खूबसूरत बहन होगी तो ऑब्वियसली पीटेगा ही। उसने तो बहुतों को पीटा है। यहाँ पे जितने भी लड़के हैं उन्होंने सिस्टर के लिए किस को मारा है? बेटा तू मारने के लायक तो पिटा होगा। बहनों के लिए ये तो पिटा होगा। आपने भी मारा है ऐसा? इसको कोई खाना खिला दो यार, प्लीज यार, इसको कोई खाना खिला दो। आप 1 करोड़ के लिए खेल रहे हैं। मैं 10 करोड़ जीतने के लिए आया। बस आप कॉन्सेंट्रेट करो, ऐसा सोचो कि आप बॉक्सिंग मैच के अंदर हो। 1 करोड़ रुपए बहुत मायने रखते हैं। हारोगे तो 1 लाख रुपए लेके जाओगे, क्विट करोगे तो 10 लाख, जीतोगे तो 1 करोड़। हर सूरत में सोच समझ के खेलना। Come on, man. Hey, hey. Yeah. I'm the best. I do. आपको क्या लगता है? To be higher. I do. अरे मैं आपको एक किस्सा समझाता हूँ। हम, मैं, अरबाज और सोहेल जब बड़े हो रहे थे तो हमारी बहन भी साथ साथ बड़ी हो रही थी, उनका नाम बेबी है। तो ऐसा लगा कि अब ये लड़के छेड़छाड़ करना शुरू करें तो बहुत पिटेंगे। कसरत वसरत ये वो, बॉक्सिंग शॉकिंग कुंफू वुंफू सब चालू था हम लोगों का। तो जैसे लड़का कोई आया था दूर से ही तो 3 ऐसे चलते आ रहे, तो वो ऐसे करके जा। फिर उसके बाद ये बात फैल गई बांद्रा के अंदर के बॉस, ये 3 भाई हैं, उनके 15 दोस्त हैं, बहुत पिटेंगे यार, तो यहाँ पर जाना ही नहीं। तो फिर 18-19 साल की हुई, फिर 21-22 साल की हुई, तो कहीं हम, फिर हम लोग को बाद में ऐसा लगने लगा कि यार ये हमारी बहन की तरफ कोई देखता क्यों नहीं है, कि इसमें खराबी क्या, कुछ है क्या, मिस्टेक। तो हम लोग बहन को देखते थे यार नाक नक्शा सब बराबर है, तो फिर ये प्रॉब्लम क्या है? अच्छा, हम लोगों को एंड तक कोई समझ में नहीं आया कि जैसे कोई लड़का दूर से कहता ए ए तो वो भाग जाता था। तो अब ये जब 24 साल की हुई तब इनके लाइफ में अतुल आए, और मेरे एक दोस्त हैं नदीम कुरैशी करके, तो वो मेरे पास आए कि आपको पता है कि अतुल और बेबी का कुछ दोस्ती यारी है। तो ऐसे अतुल कौन? इस अतुल अग्नि थी वो एक्टर, तो ऐसे उसका तो उनके साथ है। इस नहीं नहीं, आजकल में कहीं दिख गया तो उसको बहुत मारेंगे। तो छोड़ो यार, रिलैक्स करो, इसमें कोई मारपीट की कोई जरूरत नहीं, बेबी इज अ सेंसिबल गर्ल, और इसमें कुछ नहीं करना। मैं कमरे में गया, दोनों भाई तो फिर वो नेक्स्ट डे अतुल आ गए, डैडी से हाथ वात मांगा, और फिर उनकी शादी हुए, 2 बच्चे हैं, तो वो कभी पिटे नहीं हमसे। तो ये स्टोरी थी। ऑडियंस का रिजल्ट देख ले, तो 46-47 से लेके 60%, 50 से सबसे बड़ी चोटी, और फिर 60 पे आती है। अगर यहाँ से लेना चाहें तो आप 45-46 से लेके 52-53, आपने लगाया 43 से लेके 53, 60-70। क्या बॉस, व्हाट डू यू थिंक बॉस, खेलोगे? 101% खेलेंगे। इनको खेलना चाहिए या 10 पेटी उठा के भाग जाना चाहिए? खेलना चाहिए, खेलना चाहिए। आई लाइक द स्पिरिट। क्या आप लोगों की थिंकिंग कितनी मिलती जुलती है यार। हरियाणा के है ना? हरियाणा के है ना। आपके दोस्त यहाँ पे क्या बोल रहे हैं आपसे? ये तो कह रहे छोड़ घर चल। हाँ जी, ये करेक्ट है, हमारी ऑडियंस भी यही कह रही है।
9 मेरा फेवरेट है वैसे, 9 को ही मैं वो करूंगा। 49 तो 59। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी का फतेह। शाबाश। 49% से 59% पर आपने छाप दिया। अगर आपका ये जवाब गलत चला गया तो आपको इस बात का अफसोस होगा? बिल्कुल नहीं। अगर ये जवाब सही निकला तो आपको इस बात की खुशी होगी? जी हाँ। और उससे अच्छी खुशी तब होगी जब मैं 10 करोड़ जीतूंगा। तो आइए देखते हैं कि विजेंद्र बाबू 1 करोड़ जीतते हैं या हारते हैं। But I wanted him to win. Even I wanted him to win, but all of us by wanted you him wanting to win. And I wanting, you know. Are you? चलिए, nice to play with you. चलो आप हाथ कर दो बिचारे। थोड़ा सा और, 10 करोड़ जीतने वाला था ये। एक सैमसंग स्टार टच फोन का एक पिक्चर लेने का है, तो प्लीज स्माइल करो, क्योंकि अगर स्माइल नहीं करोगे वो फोटोग्राफ आएगा नहीं, और हमको वो फोटोग्राफ चाहिए बॉस। चीज स्माइल स्माइल। तो आज तो इन्होंने जीती सिर्फ 1 लाख की रकम, मगर मत कीजिए गम, क्योंकि अगले हफ्ते फिर लौटेंगे हम लेकर 10 का दम। Thank you, man!